हो चुका है बड़ा खुलासा कि आखिरकार किसने किया लॉकअप शो में मुनव्वर और अंजलि अरोड़ा को अलग, यानी कि सेपरेट, किसने खराब की या खत्म की इनकी फ्रेंडशिप, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं स्निग्धा, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। सो फाइनली रिसेंट इंटरव्यू के दौरान एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिस खुलासे को खुद प्रिंस नरूला ने किया है। बेसिकली प्रिंस नरूला को फाइनली लॉकअप शो ऑफर किया गया। लॉकअप शो में हालांकि बतौर कॉन्टेस्टेंट प्रिंस नरूला नहीं जाना चाहते थे, लेकिन आपको बता दूं कि आफ्टर एकता कपूर ने जब सिफारिश की प्रिंस नरूला को, तो आफ्टर ऑल एकता कपूर को कौन मना कर सकता है। तो प्रिंस नरूला ने बेसिकली इस शो में सिर्फ एज अ गाइड एंटर किया, यानी कि एज अ गाइड के तौर पर उन्होंने शो में एंट्री मारी ताकि वो शो को एक डायरेक्शन दे पाए। ऑलरेडी शो में जिस तरीके से सिनेरियोस थे, उसमें से किसी भी कॉन्टेस्टेंट का जीत पाना काफी मुश्किल दिख रहा था, लेकिन प्रिंस नरूला ने जाकर कंटेस्टेंट्स को अंदर गाइड किया और कहीं ना कहीं सभी को मोटिवेट किया। प्रिंस नरूला ने अब एक रिसेंट इंटरव्यू में खुद खुलासे किए हैं कि उन्होंने ही मुनव्वर और अंजलि को अलग करवाया, बिकॉज मुनव्वर और अंजलि दोनों विनिंग कैंडिडेट्स थे, यानी कि कॉन्टेस्टेंट्स थे, दोनों में विनिंग क्वालिटीज थी, लेकिन दोनों साथ खेल रहे थे तो ये बहुत डिफिकल्ट होता किसी का जीतना। इस वजह से फाइनली प्रिंस नरूला ने कहीं ना कहीं दोनों को गाइड किया और गाइड करने के साथ साथ दोनों की फ्रेंडशिप कर तोड़वाने की कोशिश की और दोनों को सेपरेट करने की कोशिश की, और उसके बाद ही जाकर फाइनली मुनव्वर और अंजलि की फ्रेंडशिप टूट गई। मुनव्वर और अंजलि अलग अलग हो गए, जिसके बाद अब तक दोनों की फ्रेंडशिप फाइनली टूट चुकी है और दोनों ने अब उसके बाद से तो कभी एक दूसरे के चेहरे को भी ना देखा हो और ना ही फ्रेंडशिप कंटिन्यू की हो। ऐसे में फाइनली कहीं ना कहीं प्रिंस नरूला जिम्मेदार है मुनव्वर और अंजलि को अलग करने पर। तो आप इस खबर पर क्या कहना चाहेंगे? मुनव्वर और अंजलि को अलग किया है प्रिंस ने। हालांकि प्रिंस ने कंफर्म किया कि मैंने सिर्फ और सिर्फ शो यानी कि गेम के लिए जो भी किया, मैंने पर्सनली उनकी फ्रेंडशिप पर कुछ हिट नहीं किया, लेकिन फाइनली अब इनकी फ्रेंडशिप भी खराब हो चुकी है। इस पर आप अपने रिएक्शंस दें। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें चैनल के साथ।